कमीशन एक रुपया पकड़ा जाऊंगा आधा भाई सुरू गोभी पारा अपना कमीशन दो आने अगर पकड़ा जाऊं तो एक आना जरा बात तो सुनो टमाटर दो भाई पकड़ाऊ चोरी करना भी बड़ा झमेला भाई सुनो मुझे कुछ कहना है भाई जरा बात तो सुनो आपको किससे मिलना है बेगम साहिबा से इस वक्त हाँ भाई हम बहुत दूर से आए हैं हिंदुस्तान से मिलना बहुत जरूरी है अच्छा आइए कौन है ये लोग मालिक आपसे मिलना चाहते हैं बेगम साहिबा हिंदुस्तान से आए हैं हिंदुस्तान से कौन है आप लोग मुझे आप नहीं पहचानेंगी बेगम साहिबा मगर इसका तारीफ कराऊं तो इसे आप जरूर पहचानेंगे यह मीना आपकी बहू मेरी बहू जी हाँ आपकी बहू यूसुफ अली साहब की बेटी जिसके साथ आपके बेटी बचपन में शादी हुई थी लेकिन इतने साल बाद कहां से किस तरह आप अचानक मेरे घर आकर आप इस लड़की को मेरी बहू बता रहे हैं इसके बाप कहां है यूसुफ अली साहब आज इस दुनिया में नहीं आपके पाकिस्तान आने के चंद बरस बाद ही अचानक इंतकाल कर गए मरते वक्त अपनी इस बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर इल्तिजा कर गए जैसे भी हो इसको आपके पास पहुंचा दे ये तो गालिबन आपसे 12 बरस पहले की बात है इतने दिन क्यों नहीं आए इसकी शिकायत आप मुझसे कर सकती है बेगम साहब मगर यकीन कीजिए एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस रोज आपका पता मालूम करने की कोशिश न की हो देश विदेश से आने वाले से आपके लिए पूछा लेकिन कोई पता ना चला इस आस के भरोसे इस यतीम बेटी को अपनी बेटी जानकर पालता रहा कि इसकी किस्मत से किसी दिन आपको जरूर पालूंगा और ऐसा ही हुआ अचानक आपकी खबर मिली मालूम हुआ अब्दुल वाहिद साहब इंतकाल कर गए हैं उनकी बेगम और बेटा इसी पते पर रहते हैं फिर मैंने देर नहीं ही की बेगम साहबा फौरन आपकी अमानत आपको पहुंचा दी अब मुझे जिम्मेदारी से आजादी मिल गई वाले कोठी वाले सभी हैं जहां खुशी चल जाओ अपनी बहू को आप पीछे घर का रास्ता बता रही है तुम मेरी बहू हो यही तो मैं मानने को तैयार नहीं इसलिए माँ इसलिए कि आज से 12 साल पहले जिस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हुई थी वो लड़की तुम हो वही तो मैं नहीं मानती देखिए शायद मान जाए क्या देखो
शादी के दिन की है और ये हार जो मेरे गले में देख रही है वो ये है आपने दिया था। माँ बहू बनाकर जब भी नहीं रख सकती लौंडी बनाकर ही रख लीजिए। आपके घर में तो और भी कितने नौकर बांधी हैं, मैं भी इनके साथ काम करके बनने वाले खालियां करूंगी। यकीन जानिए बेगम साहिबा, मैं इस घर में लौंडी बनकर ही रहूंगी। आपसे कोई फतवा मांगूंगी, कोई फतवा मांगूंगी। अच्छा फिलहाल रहो, अपने बेटे से पूछ कर देखूं वो इस पर भी राजी होता है या नहीं। मेरी बातें सुना नहीं दी? अरे तुम क्यों? सोच रहा हूं अम्मी जान, आज से 15 साल पहले की बात, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अब्बा मरहूम की दोस्त की बेटी से मेरी शादी हुई थी। जिंदगी की एक इतनी बड़ी बात मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, और शायद आप भी। लेकिन ताज्जुब है, इतनी मुद्दत के बाद आज वो खुद आकर खड़ी हुई है, बीते दिनों को याद दिला, अपना हक आप मांगने। मांगा और दे दिया? मैं तो उसे घर पर ही जगाना दी, बस ये सोचकर रख लिया कि इस हालत में निकाल दूंगी तो लोग हमें बुरा कहेंगे, हमारी इज्जत जाएगी। 2-4 दिन रहे, कुछ रुपया पैसा देकर कहीं दूर कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में इसका साया तक न पड़ेगा। और जब मैंने बड़ी आपा की बेटी से तुम्हारी शादी तय कर ली है, उसी के साथ तुम्हारी शादी करूंगी। आप जो बेहतर समझी वही कीजिए अम्मी जान, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी हकीकत से मुंह फेरना जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। इस मामले का जल्दी कोई फैसला न कर बैठिए, जो भी कीजिए जरा सोच समझ कर कीजिए। मुझे अकल देने मत आओ, मैं जो करती हूँ वो समझ कर ही करती हूँ। मुझे गलत न समझिए अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मेरा भला ही चाहेंगी, फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, जरा फिर सोचिए, जैसे इस मामले में आपसे कोई गलती ना हो जाए, ना इंसाफी ना हो जाए। सुना, मैं अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ तुम्हें इस घर में फिलहाल रहने की इजाजत देती हूँ, जितने दिन हो नौकर बांधी की तरह ही रहो। और एक बात मैं तुम्हें आज ही साफ बता देना चाहती हूँ कि इस घर की बहू बनने की काबिल तुम नहीं हो, इसलिए बातों को भूल जाओ। मैं या मेरा बेटा किसी दिन किसी हालत में भी तुम्हें इस घर की बहू कबूल नहीं करेंगे। आपकी इस बुरे खादे की खारिश है,
देने से पहले आपसे पूछ सकती हूँ आप कौन हैं? क्या इतनी बड़ी हिम्मत मुझसे सवाल करते हैं? वो क्या? कुछ नहीं। देखा क्या छिपाया है, क्या चोरी की है? कुछ नहीं। देखा देखा देखो ये लड़की तुम्हारे कमरे से निजाने क्या चुरा के भागी है, जल्दी जाओ पकड़ो ना। मैं जानता हूँ उसने क्या चुराया है। ओ, जाना पहचाना चोर, कौन है ये लड़की? उसी से जाकर पूछ लो। मैं तुमसे पूछती हूँ। मैंने तो सुना है वो कहती है वो इस घर की बहू है। यह है सारा किस्सा। देखो तो आयुष के साथ परवीन की शादी हम बहनों ने ठीक कर ही ली थी, बीच में लड़की जाने कहां से आके गले पड़ गई। अरे बेटी कहां जा रही हो? घर जा रही हूँ खाला जान। फिर ठहरो हम भी चलते हैं। मैं जा रही हूँ, जब आपका आना हो आ जाइए। जरूर लड़की के बारे में जान गई है। देखो तो क्या मुसीबत है। मुसीबत कैसी खाला जान? देख रहा हूँ एक मामूली लड़की आप सबके लिए परेशानी बन गई है, लेकिन मेरे होते हुए आपकी फिक्र करती है। वो लड़की आरिफ और परवीन की शादी में कोई रुकावट नहीं बन सकती। भी बाहर गई है। ओ परवीन बेगम। कौन है वो? इस घर की होने वाली बहू, मेरी बहन। तुम्हें देखने दो बात देख ले। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए। क्यों हमारे सामने थोड़ी देर खड़े रहने में क्या हर्ज है? शर्माती है। लेकिन तुम जैसी लड़की को तो शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? यही कि चाल तो फूल चले है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो पत्नी की तारीफ करनी ही पड़ेगी। ये आंखें, ये होंठ, ये सुस्ती, उसका मुरादा मारे। हुजूर, शायद आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये हैं हमारे आरे साहब की बेगम, इस घर की लाज।
देख रही हो। आपको तो नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बगान वाले मकान में ही रहती हूँ। दो मकानों के बीच छोटा सा दरवाजा है, वो देखो, वो वहीं से धीरे धीरे दबे पाओ पास चले आई तुमसे दोस्ती करने, अपने घर ले जाने। चलोगे? हाँ। कौन? बस अब भर गई, बकबाक बकबाक करके मेरा दिमाग चाट जाएंगे। अच्छा भाई, आज तो अभी मुश्किल है, कल आकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा, तुम कितनी प्यारी हो, मैं लड़का होती तो पहली मुलाकात में ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती। आओ।
मजबूर हुआ हूं, कसूर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आंसू बहा तो जमीन भी बोई जा सकती है, नदी बहाई जा सकती है, लेकिन अपना हक नहीं पाया जा सकता। कोई अपना सही हक हासिल ना करे तो कोई इसे प्यार से हाथों में उठाकर नहीं देता। दुनिया की यही रीत है माली दादा। जी हाँ बहु बेगम, ये घर गृहस्थी शौहर सब आपका है, सब कुछ पर आपका हक है। आप इस तरह आंसू बहाकर दिन बिताएंगी किस शर्म से आप छुप छुप कर फिरती हैं? ये आप ही की दुनिया है, किसकी हर चीज की जिम्मेदारी आप अपने हाथों में लीजिए। अपना सही हक छीन कर हासिल कीजिए, छीन कर हासिल कीजिए बहु बेगम। ये होटल नहीं, एक शरीफ घर का बावची खाना है। यहाँ इस तरह शोरगुल नहीं चलेगा। कल से रोज के रोज पेट्रोल का हिसाब मुझे चाहिए। अरे समझा ना, मुझसे पूछे बगैर घर से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। और खान सामा, तुमसे भी सौदे का हिसाब मुझे रोज चाहिए। तुम कहाँ चले? तुम्हारी जगह तो यही है। आ मेरे साथ, आज से अनुजान और साहब का खाना मैं खुद पकाऊंगी। सलाम हुजूर। अरे बावर्ची, तुम आज से और मुझे बावर्ची ना कहिए हुजूर,
बहू बेगम ने मुझे प्यारा बना दिया है। क्यों क्यों? 30 साल से खाना पका रहा हुजूर, और बहू बेगम कहती है कि तुमको दाल भी पकाना नहीं आता। तो दफ्तर में रोने को आया है क्या? नहीं हुजूर, बहू बेगम ने आपका खाना भेजा है। मेरा खाना? हाँ हुजूर। लेकिन मैं तो दोपहर को बाहर खाता हूँ। आज से आप बाहर नहीं खाएंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी तुम? नहीं, मेरा हुक्म नहीं हुजूर, बहू बेगम का हुक्म है। वाह वाह वाह, यही तो चाहता था। इधर ला, इधर ला। आपका खाना नहीं। चुप्पे साहब का खाना। तू जा, जा। हुजूर, खुदा के लिए बहू बेगम से कहिएगा कि मुझे फिर बावर्ची बना दे। अच्छा अच्छा बाबा, अभी तो जा। सलाम हुजूर। वाह बेटा वाह, इधर खुशी में रुपया दिया जा रहा है, उधर मियाँ की सेहत बनाने के लिए असली घी का खाना आ रहा है। वाह मियाँ वाह। बेगम, आप कौन बोल रही हैं? आरिफ साहब की बेगम। कौन बोल रही हो? आरिफ साहब की बेगम। आरिफ साहब की बेगम बोल रही हूँ। फरमा रही हैं आरिफ साहब की बेगम। हेलो हेलो, यस, आप कौन बोल रही हैं? मैं आरिफ, आप जिसकी बेगम। हेलो 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 हेलो, अब रख दे, अभी छोड़ दे। हेलो हेलो, सरताज, मैं नहीं जानती थी कि आप बोल रहे थे, अगर जानती तो शायद कह डालती कि आपकी दासी बोल रही हूँ। जहाँ खुशी जाना, लेकिन बेटा पहले मेरे घर जाना। वजीरे घर का हुक्मनामा, तामील नहीं तो जानता है रात भर, लेकिन अभी तुझे क्या खबर, चल मेरे घर। आओ बहन आओ, मेरे यहाँ आज तुम पहली बार आई हो, कहो क्या खिलाऊं तुम्हें? नहीं कुछ नहीं खाऊंगी। खाओगी क्या? नहीं बैठो। तुम्हारा रूप देखकर मुझे रश्क होता है। अच्छा बताओ तो, इतना रोने, इतनी घूम लेकर क्या करती हो? शौहर को कब्जा में नहीं कर सकती? वो क्या तुम्हें देखकर मदहोश नहीं होते? तो मुझे अभी तक देखा नहीं, क्या मतलब? तो समझ नहीं जाती? क्यों बोलते? अम्मी जाने, अम्मी जाने मना किया है, तब चुप है। अरे कहाँ हो बेगम? ओ बेगम, अरे कहाँ हो तू? छोड़ना जल्दी आओ। अरे देखो कौन आया है।
अरे कहाँ मर रही हो? कैदी पकड़ लाया हूँ। कैदी किसका कैदी? मेरा कैदी, मेरा बीवी का कैदी, आज तुम हम सब का कैदी। अरे लो आ गए। आओ भाई आओ, बैठो। मेरी फूफी जात बहन तुम देने के लिए घूमने आई है। तुम्हारी बहन बोला मेरी साली, देखो देखो देखो। वही साली वही हो गई है, बिल्कुल छोटी सी थी, मैं तो पहचान ही नहीं सका। समझ भैया, बड़ी अच्छी साली है मेरी, लेकिन है बड़ी शर्मीली। और समझी साली, तुम माफ कर दो गम, और समझी साली मेरा जितनी दोस्त आरे बराबर वाले मकान में रहता है, तो रोज वो घर में नई चोरू आई है। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी देखने गई, लेकिन कहीं। हाँ हाँ कहो। चलो रहिए तो। ठीक है रहने दो। क्यों, बताओ ना क्या हुआ। हाँ हाँ बताओ ना क्या हुआ। हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। रंगत काली, आंखें छोटी छोटी, मुंह पे चक्की दाग, एक लफ्ज में बदसूरत ही कहा जा सकता है। देखभाल की ये क्या शादी की है भाई? ये बीवी क्या तुम्हारी दिल पसंद बीवी होगी? मेरी दिल पसंद बीवी होने के लिए ज्यादा रूप वाली होने की जरूरत नहीं भाभी, गुण वाली होना ही काफी है, क्योंकि औरतों के रूप से गुण की कदर में ज्यादा करता हूँ। वेरी गुड। ओ तो मेरी भाभी रूप वाली ना होने पर भी जरूर बहुत गुण वाली है। इस बात से शायद मेरे घर का कोई नहीं इनकार करेगा, गुण उसमें है जिनमें एक खास गुण है कि वो बहुत अच्छा गाती है। ये न समझना कि मेरी बीवी है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में उस जैसी आवाज इस मुल्क में बहुत कम है। अच्छा चले। अरे ये क्या, बैठो जल्दी। नहीं बैठकर और क्या होगा, जो बात सुनाने को बुलाया था वो तो सुन ही ले। चलो भाभी कुछ ना बोलो, रहने तो उसके दिल में मेरी यही तस्वीर। इस वक्त क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता। समझने की आपको जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलिए चलिए।
जानती थी ऐसे कोई ना कोई घर का ये लड़की जरूर करेगी। पापा जान बची आफत दूर हुई। अम्मी अच्छी तरह ढूंढ कर देखिए शायद किसी और कहीं नहीं हो। अरे नहीं सारे मकान में उसका कोई पता नहीं। लेकिन अम्मी वो तो भागने वाली लड़की नहीं। अम्मी वो क्या देखा अम्मी उसने सारी रात इस पलंग के नीचे गुजार दी। मैंने कहा था ना अम्मी भागने वाली लड़की वो नहीं पगली। ठीक है पगली मगर सियानी पगली वरना एक एक करके घर के हर चीज पर अपना कब्जा करती। इतनी बड़ी हिम्मत उसकी। मैंने बार बार उसे तुम्हारे सामने आने को मना किया फिर भी कल सारी रात उसने तुम्हारे सामने बिता दी। बहुत हो चुका इस घर में उसे जगह देकर ही मैंने गलती की। लेकिन और नहीं आज इसी वक्त मैं उसे घर से निकाल दूंगी। नहीं अभी ऐसा न कीजिए ये जुल्म होगा ना इंसाफी होगी। मुझे समझाने की कोशिश ना करो मैं जो अच्छा समझूंगी वही करूंगी और तुम्हें भी मेरे कहने से आज उसे तलाक देनी होगी। ये नामुमकिन है अम्मी उस जैसी बेकसूर मासूम और नेक बीवी को तलाक देना सोचना भी गुनाह है। मैं ऐसा ना कर सकूंगा। आरिफ ये मेरा हुक्म है। मुझे माफ कीजिए अम्मी जिंदगी में किसी दिन आपकी कोई नाफरमानी नहीं की लेकिन आज आपके इस बेजा हुक्म की तामील ना कर सकूंगा। और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूं तो फिर मैं मजबूर हूंगा उसे सहारा देने को। यही क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ अम्मी आप सब उससे नफरत कर सकते हैं उससे बेघर कर सकते हैं उसका हक उससे छीन सकते हैं लेकिन अम्मी मैं नहीं कर सकता। ये क्या छोड़िए छोड़िए मेरा हाँ जोर से नहीं आहिस्ता बोलने वाली बात है। इस घर में कौन कितने दिन नौकरानी बनकर रहोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद न करो मेरे पास चले आओ मैं तुम्हें सराहों की बैठाऊंगा। छोड़िए मेरा हाथ जाने दीजिए छोड़िए मुझे जाने दीजिए। पहले मेरे बात का जवाब देना। छोड़िए आप छोड़िए जवाब नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगा। हाँ इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आइंदा कभी इस घर में आने से पहले ये सीख करना कि माँ बहनों से किस तरह बर्ताव किया जाता है। तुम्हें तो सिखा दूं? यू इडियट गिरा हो इंसेक्ट गिरा। झाड़ू अच्छा मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है उसे इस तरह भी इज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ मुंह न तोड़कर सिर्फ जो उसे बेइज्जत करके ही इस घर से निकाल दिया ये उसकी तकदीर और मेरी शराफत है। अम्मी हो क्या गया है आज ये मामूली लड़की ही तेरे लिए इतनी बड़ी हो गई है। हो नहीं तो चाहिए अम्मी जान सिर्फ मेरे लिए की आपके लिए भी क्योंकि ये मामूली लड़की ही तो इस घर की इज्जत आपकी बहू और मेरी बीवी है। के साथ पक्का रिश्ता तोड़कर हमारी इज्जत खाक में मिला दी और आज तुम्हें घर से निकाल कर पूरे खानदान की बेइज्जती की और तुम सर नीचा करके चले आओ। जी हाँ अम्मी लेकिन उसका ऊंचा सर
हमेशा के लिए नीचा कर देने की कसम खाकर। आप देखना मीन बहन का रिश्ता तोड़ने और मुझे इस तरह बेइज्जत करने का बदला मैं किस तरह लेता हूं। ऐसा सबक दूंगा कि जिंदगी भर न भूलेगा। कहाँ भागा जा रहा है? भागू नहीं तो और क्या करूँ? हाँ बेशर्मों की तरह बीबी के पाँव दबाता है। अबे कहीं जाकर डूब मत, डूब मत बेटा। हर मत बाहर कितना ही क्यों ना दिन मारे, पर ईमान से कहूँ घर में अपनी बीबी के पाँव जरूर दबाता है। अरे भाई अभी आए अभी चल दिए, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, आया था तुम्हें एक खबर सुनाने। सुनकर शायद तुम्हें ताज्जुब हो कि आज मैंने अम्मी जान को साफ साफ बता दिया कि उस काली बदसूरत बीबी के साथ ही मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, उसे लेकर ही मैं अपना घर बसाऊंगा। ब्यूटीफुल जानता हूँ भाभी तुम खुश ना होगी, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि जो इज्जत जो मुकाम मैं उसे इतने दिन नहीं दे सका अब वो दे सकूंगा। अरे हाँ तुम्हारी वो बहन कहाँ है? मेरी बहन, मेरी बहन जी। कहो जी मेरी बहन कहाँ जी? तुम्हारी बहन बाथरूम में। बाथरूम में जरा बुलाओ ना जी। तुम बुलाओ जी। नहीं तुम बुलाओ जी। नहीं नहीं तुम बुलाओ जी। जाओ जाऊं मैं नहीं जा सकता, वो तो बाथरूम में। आवाज दो ना। आवाज दो और क्या करोगे? आवाज दो साली सुंदरी, साली सुंदरी, साली सुंदरी, साली जी दुला भाई। हाय हाय दुला भाई, तौबा तौबा, मेरी साली कहाँ थी तुम इतनी देर? मैं तुम्हें बुरा बुरा कर गया। माय फ्रेंड कहो क्या कहना है? वेयर इज माय साली? मैं अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहा था। इसलिए ऐसे ही उस दिन अपनी घरेलू बातें लेकर आपके सामने कितनी उल्टी पुलटी बातें करता रहा, न जाने आपने मेरे मुतल्लिक क्या सोचा होगा। सिर्फ ये कि आप बड़ी मेहरबान है। शुक्रिया। अरे वो जल्दी मगर रात को जरूर आना। आज ढूंढे आज रात नहीं भाभी, आज रात नहीं, आज रात तो आज रात मेरी सुहाग रात। मेरी प्यारी भाभी, thank you.
काली, आंखें छोटी छोटी, मुंह के चक्के दाग, एक लफ्जी बदसूरत ही कहा जा सकता है। चांद था मेरी किस्मत में और मैंने अंधेरा समझा था, पागल था या मैं दीवाना। के दिल घबराता था किस तरह कटे जीवन का सफर, हर एक कदम पर साथ हो तुम देने सहारा, क्या थी खबर ये भूल मेरी थी जो मैंने अपने को अकेला समझा था, एक चांद था मेरी किस्मत में और मैंने अंधेरा समझा था, पागल था या मैं दीवाना। ये नींद भरी वो झल आँखें पानी खिले हैं जैसे कमल वो ख्वाब हुआ पूरा मेरा, मैं जिसको अधूरा समझा था, एक चांद था मेरी किस्मत में और मैंने अंधेरा समझा था, पागल था या मैं दीवाना। अकेले ना खाना हमें छोड़ कर तुम खाए बिना, हम भला क्या जिएंगे हम Ha 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 ha
मेरे यहाँ ये खामखा परेशान करता है, बताना क्या चक्कर है? ओ बे, चक्कर कहता है गन चक्कर। अरे दर्द से मछली की तरह तड़प रहा हूँ। डॉक्टर को भेजो। फिर वही डॉक्टर? अबे अकल से काम कर, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। वो तेरी बीवी को भेजो। मेरी दोस्त, मैंने मना किया है क्या? भेजना भाई। अबे तेरी बीवी तो आना नहीं चाहती। क्या आना नहीं चाहती? अच्छा देखता हूँ कितने दिन नहीं आती। मैं अगर बाप का बेटा हूँ तो देख लूंगा। सुन लो, वो जो कुछ कर रही है अच्छा नहीं कर रही। मैं इसका बोलो मैं तुम्हारा कौन हूँ? सरताज। तुम मेरी कौन हो? शरीक हयात। शरीक हयात। अच्छा तो फिर ये सरताज अपनी शरीक हयात से इल्तिजा नहीं हुक्म देता है। आज अभी इसी वक्त नहीं नहीं किसी तरफ देखे बगैर सीधी मेरे कमरे में चली जाओ। आज से तुम अपने शौहर के कमरे में रहोगी। तुम्हारा शौहर जाओ। Thank you.
अरे क्या हो गया, अरे सुनती हो, अरे खोलो ना, मैं क्या बाहर रहूंगा, बाबे बाप मैं क्या, अरे खोलो खोलो ना, अरे खोलो मान जाओ, अरे मान भी जाओ, खोलो ना, नहीं खोलोगी, अरे 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 खोलो, अरे खोलो ना, अरे बात सुनो, अरे 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 सुनो, अरे मान जाओ, नहीं खोलोगी, अरे चलो मान जाओ, हाय हाय, चलो मान जाओ, अब ये सताओ, बहुत मुसीबा आओ जी पास आओ, चलो मान जाओ, ना अब ये सताओ, बहुत मुसीबा आओ जी पास आओ, चलो मान जाओ। भुला दो वो बातें पुरानी, खुदा के लिए अपना दिल साफ कर लो, खुदा के लिए अपना दिल साफ कर लो, मेरी बात छोड़ो, मेरे दिल को देखो, चलो जो हुआ सो हुआ माफ कर दो, चलो जो हुआ तो हुआ माफ कर दो, मेरे प्यार को तुम नहीं आजमाओ, बहुत हो जुदा आओ जी पास आओ, चलो मान जाओ। बताओ तो सीने में पत्थर है या दिल, मेरे हाल पर कि नहीं रहवाता, मेरे हाल पर कि नहीं रहवाता, अजी ये खुशामद जो की है तुम्हारी, खुदा के दिल का तो वो मान जाता, खुदा के दिल का तो वो मान जाता, ना अब और कोई बहाना बनाओ, बहुत हो चुका आओ जी पास आओ, चलो मान जाओ, मैं अब ये सताओ, बहुत हो चुका आओ जी पास आओ, चलो मान जाओ। Thank you.
क्या नशा है मुझे पिला दिया, मैं तो कमली डूब चला खा गई तेरी आँखों में। बताया नहीं,
क्या बात है, क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा। ठीक है, होने। मैं अपनी जुबान से तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं? मुझे शर्म आती है, मैं न बता सकूंगी, मैं न बता सकूंगी। क्या कहा? मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा मेरा बेटा होगा। अरे मनी दादा सुनो, अरे मेरा बेटा होगा। नहीं, मुँह नहीं बंद कर दे देना। नहीं सुनने दो, क्या कहेंगे? कहने दो, कहोगे? हाँ कहूंगा। अरे माँ सुनो, माँ कहाँ कहाँ है मेरी बहू, जिसकी खोज से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आंधी जन्म लेने वाली है? कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है बेटी? तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। बोलो तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? मांगूंगी मैं तुम्हें वही दूंगी, जो कहोगी मैं वही सुनूंगी। बोलो तुम क्या चाहती हो, बोलो। तो मेरी बीवी है। खबरदार, अगर तूने ये झूठ फिर मुझे निकाला तो मैं तेरी जुबान क्या दूंगा। लेकिन मुझसे तो ये साबित ना होगा कि मीना मेरी बीवी नहीं। निकल जाओ इसी वक्त, कैसे निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ। क्या बात है यारी? हमने सुना आपने कि आदमी कहता है मीना इसकी बीवी है। मीना इसकी बीवी है? क्या हो तुम? आपकी नकली बहू का असली शौहर। जुबान संभाल कर बात करो, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। जज्बाती ना बनिए बेगम साहेबा, और इतना शोर मचाइए वरना बात दूसरों के कानों तक पहुंच जाएगी, आपकी इज्जत पे धब्बा आ जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। बेहतर यही है
किस चुप चुपाते मेरी बीवी मेरे हवाले कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। झूठ, ये झूठ है अम्मी। लेकिन मीना तुम्हारी बीवी है, इसका सबूत है? बिना सबूत मैं अपनी बीवी लेने नहीं आया बेगम साहेबा। ये देख निकाह की तहरीर। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है अम्मी, ये झूठ है। तो लीजिए ये भी देखिए, हम दोनों की तस्वीर, हमारे सुखी दिनों की एक यादगार। अम्मी, लेकिन मीना की शादी तो बचपन में आरिफ से हुई थी। अगर ये सच है तो मुझसे ये छुपाया गया है, मुझे धोखा दिया गया है। बेगम साहबा, मैं बेकसूर हूँ, आप मुझ पर तरस खाइए। बचपन की बात तो भुलाई जा सकती है, लेकिन मैंने तो मीना के साथ अपनी जवानी बिताई है। बेगम साहबा, मैं उसके सिवा जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे मुझे मेरी बीवी वापस कर दीजिए। चुपना रहिए बेगम साहबा, चुपना रहिए। एक बार अपने मुंह से कह दीजिए कि मुझे मेरी बीवी वापस मिलेगी। हाँ मिलेगी, अगर मिला ये सब ठीक साबित कर सके। अच्छा तो मैं कल आऊंगा, कल आऊंगा बेगम साहबा। कौन है आप, ये क्या कह रही है? मीना, गरीब हूँ इसलिए शौहर को इस तरह ना ठोक रहा हूँ। मेरे साथ वापस चलो, वापस चलो मीना, मैं तुम्हारी सारे खाए माफ कर दूंगा। मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं पहचानती, नहीं पहचानती, नहीं पहचानती। ये क्या कहती हो मीना, जिसके साथ इतने दिन घर गृहस्थी की उसे आप पहचानने से इनकार कर रही हो? झूठ, मैं आपको नहीं पहचानती, नहीं जानती। ऐसा न कहो मीना, ऐसा न कहो, मैं कसूर हो गया है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं क्या हो रहा हूँ, तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे साथ वापस चलो मीना। अच्छा तो मैं कल ही लेने आऊंगा। नहीं अरिफ, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाने दो, मुझे न जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। झूठ है माँ, ये सब झूठ है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों ये झूठ है, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। शाबाश, तो तुम उस घर में सबों को बेवकूफ बना कर चले आए। कोई कोई भी हमारी ये नकली दलील और ये 40 तस्वीर पकड़ नहीं सका। ऐ हुजूर, मैंने वो चोटी की अदाकारी की, वो चोटी की अदाकारी की कि सबके सब मुंह ही देखते रह गए। हमारी 40 तस्वीर और नकली दलील को परखने का उन्हें होश ही कहा था। शाबाश, हमारी हर बनोटी बात उनके दिलों में उतर कर रह गई। हुजूर, क्या कहने, कमाल कर दिया। ये लो 500 रुपए और बाकी कल जब सबों के आंखों में धूल झोंक कर मीना को उस घर से बाहर निकाल कर मेरे पहलू बसाओगे तब दूंगा। ये अच्छा हुजूर। और देखो उस घर पर कड़ी नजर रखना। आप बेफिक्र रहिए हुजूर, मैं 24 घंटे उस घर के आस पास ही रहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाओ जाओ। याद रखो, ये राज जिंदगी भर किसी को मालूम ना होने पाए। अब जाओ। आरिफ, इस लड़की की खातिर तूने मेरी बहन को ठुकराया, मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला। कल वही मेरे कदमों में होगी। यकीन कीजिए अम्मी जान, मैं बेवकूफ
मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उस आदमी को मैं नहीं पहचानती, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। वो जो भी कह गया है सब झूठ है अम्मी जान, सब झूठ है। अगर झूठ है तो साबित कर दो। साबित कैसे करूं अम्मी जान, सब इसके कसम खाऊं, आपसे इंतजा करके यकीन करने को कहूं। अम्मी जान आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, आप मुझे इसमें से बच से बचाइए। मुझे बताइए किस तरह इस चाल से अपने को बचाऊं, क्या कहकर इस झूठ को झूठ साबित करूं। मैं क्या बताऊं, मुझे तुम्हारे बीते दिनों के बारे में क्या मालूम, तुम भूत किसी बच्चे नहीं जो ये भी नहीं समझते। लेकिन ये सब क्या है, मैं तो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। अम्मी जान मैं इस इल्जाम को झूठ साबित नहीं कर सकूंगी। तो फिर मैं भी गुनाहों का इतना बड़ा बोझ सर पर रखने वाली लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। कल ही तुम्हें उस आदमी के पास जाना पड़ेगा। अम्मी जान नहीं, नहीं, जान नहीं, नहीं। मीना मेरी बीवी है, मीना मेरी बीवी है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर ये फोटो, ये तहरीर, न किया तो मैं दीन दुनिया दोनों को कर दूंगी। यकीन करो ये सब झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ किसी की दुश्मनी है। मैं पे तुलन नहीं हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। चुप न रहो, कह दो आरिफ एक बार मुझसे कह दो, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है, तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा है। आज कौन तुझ पर इतबार नहीं करता, तेरा शौक है, तेरी सास, तभी ने तुझसे मुंह फेर लिया है। कल वो गुंडा बदमाश आएगा और ये लोग जबरदस्ती तुझे उसके हवाले कर देंगे। तेरी हैसियत, इज्जत, किस्मत सब लूट जाएगी। बचा ले मीना, तो अपनी इस पर बचा ले। तू भाग जा, तू भाग जा मीना, तू भाग जा। यहाँ तेरा कोई नहीं है मीना, यहाँ तेरा कोई नहीं है। भाग जा मीना, जा मीना, जा, अपनी इस पर बचा ले। भाग जा मीना, भाग कर बच। तू भाग जा मीना, तू भाग जा, तू भाग जा मीना, तू भाग जा। Thank you.
किसी लड़की को देखा? लड़की को ढूंढ दो, मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा। ये लो, लो, मुझे ये लड़की चाहिए, जल्दी से ढूंढ देता हूं। बहन, बहन, हाँ, आज से तू मेरी बहन हो, एक गरीब कुली की बहन। चलो, ये जो मैं समझता हूँ आपसे जरूर कहूंगा। देखिए, जिस औरत को आज आप लोग गुनाहगार, बदचलन और धोखेबाज समझ रहे हैं, मुझ बूढ़े का दिल कहता है वो ऐसी औरत नहीं है। हाँ, मेरा दिल कहता है वो एक सच्ची और नेक औरत है। घर से उनका इस तरह चले जाने में जरूर कोई ना कोई वजह है। इन सब वाकयात के पीछे जरूर कोई राज है। और इतनिया माली दादा, माली, तुम्हारी सारी बातें सच है, फिर भी किसी से न पूछकर इस तरह चले जाना क्या ठीक है? और इतनिया क्या शरीर बांटते शोहर से न पूछकर घर से इस तरह भाग जाती है? वो कई कहते तुम जैसे एक चालबाज आदमी की आंखों में धूल झोंककर आखिर वो निकली कैसे? बस होकर किस मामूली लड़की से मार खा गए? उल्लू, उसे पकड़ने के लिए मैंने जी जान से कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन से उतर कर न जाने कहां गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं ना मिली। काम नहीं करना चाहिए, जान क्यों नहीं मानती? अकेले
तुम ही मेहनत करोगे भैया, मैं तुम्हारी कोई मदद न करूं। मेरी मदद करोगी तुम? नहीं, इस वक्त तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी बहन हो, एक मजदूर की बहन। जाओ अंदर जाके बैठो, मैं अभी दाई माँ को ले आता हूं। सुनते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ। माँ, काश तुम अपने बच्चे के रोने की पहली आवाज अपने कानों से सुनते, अपने कानों से सुनते। दियाना, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? अरे पापा पापा पापा, अरे ताई माँ, तुम्हारी मम्मी की चक्कर, तुम्हार तो स्टेशन से उस स्टेशन तक जवाब नहीं। अरे पापा पापा, ताई माँ बोलो, तुम क्या मांगती हो? जो मांगोगी वही पाओगी। हाँ, तुम्हें मैं 1000 रुपए वाली साड़ी लूंगा, दूंगा, पाउडर दूंगा, और तुम्हें क्या दूंगा? हाँ, एक नानी की टिविया दूंगा, कान की बाली, नाक की नथिया, तुम्हें मैं चैंपियन बनाकर छोड़ूंगा। पापा, माँ, माँ, लो बेटा, ना लो बेटा, वाह वाह, ए मामा मामा बोलो बेटा, वाह वाह, अरे ओ ललुआ, अरे ओ भुलुआ, मैं आजान दूंगा, मैं आजान दूंगा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। भाभी, अरे भाभी, क्या जा रही थी? मुझसे और रहा नहीं जाता, बताओ मैं क्या करूं? भाभी बताओ मैं क्या करूं? वरना मैं पागल हो जाऊंगा, भाभी पागल हो जाऊंगा। भैया, खुदा के लिए सलाह, अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। तुम मानो या ना मानो, मैं तो फिर भी कहूंगी, तुम्हारी बीवी एक बाइस एक औरत है, उसे तुम गलत क्या समझो? अब भी वक्त है भैया, उसे तुम ढूंढ लाओ। भाभी। हाँ भैया, इसे इस घर से गए 5 साल गुजर गए, जरा सोचो, तेरी बदनसीब, तुम्हारा बच्चा लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। क्यों बेटे? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कहाँ? अंकल ने लाहौल वाला कुआं। तू कूली का काम करेगा? नहीं मुन्ना नहीं, तू तो बहुत बड़े बाप का बेटा है। कहाँ है मेरे बाबा? आएगा, आज नहीं तो कल घूम आएगा, देखना कितना कुछ लेकर आता है, हलवा, मिठाई, हाथी, घोड़ा, मोटर गाड़ी, पोम पोम पोम। नन्हे से दिल को बाप के इंतजार की झूठी आस क्यों दिलाते हो भैया? वो क्यों आएगा निश्चर से कलंकिनी के पास? कलंकिनी? तुम ना बहन ना, ये ना कहो ऐसी बात, मेरे सामने मुंह से ना निकालो। तुम जैसी नेक औरत इस दुनिया में कितनी है, कोई जाने या ना जाने, मैं जानता हूं और जानता है ऊपर वाला कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ा जुल्म हुआ है, कितनी नाइंसाफी हुई है, लेकिन खुदा सच्चा है,
वो जरूर इंसाफ करेगा। तुम जैसी नेक औरत की फरियाद से तो खुदा का आर्श काप होता है। तुम देख लेना बहन, जिन्होंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें घर से बेघर किया, तुम्हारे सुख के संसार में आग लगा दी, उनका क्या अंजाम होता है? उन पर खुदा का गजब कैसे टूटता है? Ha ha ha!
जुदा करके मुझे पाया। मैं इसका बदला लूंगा, तुझे तुझे जिंदा नहीं करूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। मुझे को मार कर क्या मिलेगा, मुझे तो मारने वाले नहीं मारा है, मैं सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान हूँ, चंद घड़ियों का मेहमान हूँ। हुजूर आप और देर मत कीजिए, जाइए जाइए हुजूर, मेरी आपकी नेक पीढ़ी को तलाश कीजिए, उस दूर जैसे मानों को, जाइए जाइए हुजूर, और देर न कीजिए हुजूर, और देर न कीजिए हुजूर, जाइए जाइए, जाइए, कहा
पड़ा था माँ, उसे कुछ खाने का दो ना। लेकिन घर में तो इस वक्त कुछ भी नहीं है ना, तो जल्दी से कुछ पका दो माँ। अच्छा, हमारी तबीयत अच्छी नहीं, रात को नहीं जाओ, नहीं सो रहा हूँ, माँ ने भी कहा है। सुख है इस छोटी सी झोपड़ी में।